हो गया यार, कोई एक बंद कर रहा, ये बंद कर दो, बंद आप ही बंद कर दो। चले चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार, लास्ट लेक्चर में बिटवाइज चल रहा था ना, और बिटवाइज में आपने एंड देख लिया था, बिटवाइज में आपने एंड देख लिया था, और यहाँ टोटल जो आपके पास आई थिंक चीजें हैं वो सिर्फ बाइनरी की है ना, मतलब बाइनरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो ओवरऑल आर के बारे में बिटवाइज एंड हो गया था, ठीक है, आर की बात यहाँ पे कर लेते हैं। बिटवाइज आर, बिटवाइज आर रिवाइज किया था आप लोगों ने, जो आप सर ने डिस्कस किया है पूरा पढ़ाया था एक बार, एक ही क्वेश्चन बस करवा रहा हूँ यहाँ पे, कोई इशू किसी को तो बताइएगा। ये जो सिंबल होता है ना, एक पैरेलल लाइन टाइप का, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवाइज आर। यहाँ पे जैसे कुछ इस तरीके का आर होगा, डेफिनेशन सभी को ऑलमोस्ट पता होंगी क्योंकि हम लोग हर जगह कई कई जगहों पर इसको यूज किए हैं। जैसे ए आर बी, अगर आपको ये निकालना है तो यहाँ पे बिट हो सकता है दोनों, या तो क्या होगा जीरो होगा, या तो जीरो वन होगा, या तो वन जीरो, या तो क्या हो जाएगा वन वन यहाँ पे ना। इसके बाद आर का बताएंगे आप लोग, जीरो 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 क्या होगा, जीरो वन का वन वन ना, आर है, आर का मतलब एक वन तो वन हो जाएगा, ठीक, वन जीरो का वन वन का वन ना, आर का मतलब है अगर एक भी वन हुआ तो वन हो जाएगा। इस तरीके से अगर कहीं कभी ऐसा दिखे आपको वन आर वन ना, आर वन आर जीरो, कोई पूछता आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, मतलब कई सारे आपके पास क्या हो, इनपुट हो, उनके बीच में क्या लगाओ, आर लगाओ, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक भी वन हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। फॉर एग्जाम्पल वन आर जीरो आर जीरो आर जीरो, आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर है ना, तो ये सब हो सकता है, एक साथ एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दो इनपुट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखिएगा तो यहाँ आने की जस्ट बात ना, जीरो वन वन वन, अब क्या करना आपको, जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा, एग्जाम्पल मान लेता हूँ, ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो ठीक है 12, और बी इक्वल टू यहाँ पे मान लेता हूँ 10, ए इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 10 यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि बाइनरी बताएंगे आप लोग, वन वन जीरो जीरो ना, ए की बाइनरी वन वन जीरो जीरो, और बी की क्या हो जाएगी वन जीरो वन जीरो। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप आर निकालते हैं इसका, तो जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का वन, वन वन का वन, क्लियर है। तो ये मिल गया क्या 14, क्या मिल गया 14, मतलब वो निकाल लेना आप लोग, ठीक है 14 की बाइनरी है। तो इस तरीके से अगर ए आर बी आप प्रिंट कराना कराएंगे तो क्या आएगा आपका 14 आएगा। समझ आ गई बात है यहाँ पे। चलिए आइए कम कम एक एग्जांपल देख लेते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे, और वो सब आप बताइएगा, मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो ठीक है। आई एन टी ए इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 12, बी इक्वल टू यहाँ पे 10 है, एंड डिक्लेयर लेता हूँ सी, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं सेम वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो गया ए आर, आर का मतलब ये सिंबल ना, ए आर बी यहाँ पे, और प्रिंट किसको करा दिया सी को। यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज वगैरह कोई नहीं दे रहा हूँ, सिंपली क्या लिख रहा हूँ परसन डी, डेसिमल में प्रिंट करना किसको यहाँ पे सी को, फाइनली गेट सी एच, सेव कर लिया और रन करा दो ना, तब क्लियर पॉइंट क्या आ गया 14 आ गया। तो इस तरीके से एक मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा। ये यहाँ पे है आपका 25 और ये 12, 25 एंड 12 ना, मुझे बताइए आंसर क्या मिलेगा।
क्या रहा है? ट्वेंटी नाइन, 25 की बाइनरी, बाइनरी 25 की हो जाएगी, क्या मिली 1 1 001 ना। 12 की बाइनरी भी आपके सामने है वहाँ पे, कि 1 1 यहाँ से लिख लोगे ना, 1100 यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, 0 10 का 1, 00 का R निकाल रहे हैं यहाँ पे, 00 का 0, 1 1 और 1, इसको सॉल्व करने क्या मिल जाएगा, 29 यहाँ पे सही है, 1 2 4 8 और 16, जिसके साथ 1 उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 8 24 28 और क्या हो जाएगा 29। तो इसे मैं अगर यहाँ रन कराते हैं सिंपली क्या मिल जाएगा 29। समझ में आएगी बात की नहीं? तो आपको यहाँ थोड़ा बाइनरी के साथ किसी कोई इशू होगा तो बाइनरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे जाकर डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाकी ऑपरेशन कुछ है नहीं यहाँ पे, हो जाएगा। एक देख लीजिएगा यहाँ पे और मैं स्टेटमेंट बस लिख दे रहा हूँ, जैसे अगर d इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया 1 और ना 1, मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 और 1 और 0 और 1, ये लिख देता हूँ, क्या आउटपुट मिलेगा 1, क्लियर है ना सभी को? तो यहाँ पर d को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, c कॉमा d, और जा करके d को अलग से प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट स्लैश n का मतलब न्यू लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा d, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट डी और डी, अगर डी को प्रिंट कराना है तो न्यू लाइन, और यहाँ परसेंट डी किसकी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी, तो हाँ ओके सेमी कॉलन नहीं तेरह देगा अभी यहाँ पे रन करा दे, क्या मिल गया 1 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे चाहो तो हर जगह पे क्या कर दो 0, क्या कर दो 0 यहाँ पे, बस पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नया ना लगे, मेरा कहने का मतलब सिंपल से यहाँ पे है, कुछ भी हो कैसे भी दिया हो एग्जाम में कोई भी, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, मैं स्टेटमेंट देखे नहीं है ना, ये सब हुआ नहीं, ठीक है यहाँ पे समझ में आई बात की नहीं? तो ये पाइथन के साथ भी होगा और सी के साथ भी होगा, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, बताइए समझ गए कि नहीं आप, हो गया ना बिट वाइज आर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा लिखिएगा, बिट वाइज एक्स ओ आर, बिट वाइज एक्स ओ आर, इसमें इसमें बस इतना ध्यान दीजिएगा, अभी मैं दो के लिए बता रहा हूँ, पहले ए है और क्या है बी है, ए एक्स और बी, ये सिंबल होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कैरेट सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट वाइज एक्स ओ आर, तो यहाँ भी आपका 00 01 10 और 11, चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, बस दो के लिए याद रख लेना, दो के लिए, दो ही में जरूर ज्यादा पड़ेगी, तो दो के लिए याद रख लेना, अगर सेम सेम बिट है दोनों बिट के आगे किसमें एक्स और में ना, अगर सेम बिट है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0, तो अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो क्या मिलेगा 1, अगर सेम है तो क्या मिलेगा 0, ये दिमाग में रखना, बट ये डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन बस क्योंकि ज्यादातर यूज यही होगा, तो आप इस तरीके से याद रखनी चीजें क्या होंगी बेटर होंगी, मगर ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन यहाँ पे है कि अगर उसके नीचे आप ये ट्रूथ टेबल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रूथ टेबल, जहाँ से हम लोग पता करते हैं क्या है रिलेशन उसका, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आप डेफिनेशन लिख देना, नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, इनपुट सिक्वेंस में क्या काउंट करते हैं नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वंस क्या होता है इवन होता है तो आउटपुट क्या आएगा 0, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होता है तो आउटपुट क्या आएगा बनेगा, एक्चुअल में ये होता है ना, डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वंस अगर इवन होता है तो आउटपुट क्या आएगा 0, ऑड होता है तो 1, क्या है इसकी मीनिंग समझिए ध्यान से, लिखिएगा मत कुछ भी। देखिए 0 0 में ये इनपुट है कि नहीं, कितने इनपुट है 2 इनपुट है, 1 कितने यहाँ पे एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब 0 1 है ना, और 0 को इवन ट्रीट किया जाता है, 0 को इवन माना जाता है, इस वजह से एक तरीके से यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। 0 1 कितने इनपुट है 2, 1 कितना है 1, तो एक क्या होता है ऑड होता है कि नहीं होता है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं ऑड है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा,
10 में कितने वन है? एक है, तो एक है तो ऑड है, ऑड का मतलब आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। यहाँ पे कितने वन है? दो वन है, दो क्या होता है? इवन, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। एक्चुअल ये डेफिनेशन है, समझ आई बात की नहीं? लेकिन हाँ, हमने ऐसे की बताया आपको कि मेजॉरिटी ये होगी कि सेम सेम पे जीरो, डिफरेंट डिफरेंट पे वन। चलिए ठीक है, ट्राई करिएगा बताने का। यहाँ पे अगर इसके हिसाब से मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ, मुझे बताओ वन ये सिंबल है ना, कौन सिंबल है? एक्स ओ आर वन, एक्स ओ आर जीरो, एक्स ओ आर वन, इसका आउटपुट बताएंगे आप लोग क्या आएगा? वन। वन कैसे आएगा? वन काउंट करेंगे तो वन 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 तीन है ना, तीन क्या होता है? आठ होता है, तो आठ आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वन आएगा। तो जो नंबर ऑफ इनपुट है वहां से आप क्या काउंट करेंगे? वन। अगर नंबर ऑफ वन क्या होते हैं? ऑड होते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरे के एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वन अंडर स्कोर यहाँ पे, सॉरी ये कैरेट सिंबल वन जीरो, यहाँ पे अगेन आ गया जीरो, अगेन आ गया क्या आपका जीरो, आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आपको यहाँ से वन काउंट करना है और इवन होगा तो जीरो आएगा। समझ आ गई होगी बात यहाँ पे? तो मैं इसलिए डेफिनेशन एक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, ये भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, बट हाँ दो है तो ऐसा रिलेशन बन रहा है कि सेम सेम पे जीरो, डिफरेंट डिफरेंट पे वन, इसलिए हम इसको भी प्रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे फिलहाल के लिए क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा उसको देखते हैं, अभी तो डेफिनेशन थे आपके। ठीक है, आज समझ गया होंगे आप, यहाँ पे आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ था ए इक्वल टू 12 दिया गया था, मैं वही बाइनरी लेके चल रहा हूँ जो आपको पता है। ठीक है, इसलिए कि हमें बाइनरी अगेन कैलकुलेट ना करनी पड़े। ए इक्वल 12 और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सॉरी बी फाइंड क्या करना है, ए एक्स और बी ये फाइंड करना है। तो अगर यहाँ डेसिमल वैल्यू दी गई है तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा आपको? बाइनरी में, तो 1100 और यहाँ पे 1010। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यही हमेशा ऐसे ही तो करना आपको, तो दो ही डेटा मिलेंगे नहीं मिलेंगे यहाँ पे? तो वही रिज्यूम में बोला था सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर करना ज्यादा बेटर होगा। सेम सेम पे जीरो, डिफरेंट है कि नहीं यहाँ पे? तो वन ये भी डिफरेंट है, तो वन सेम है तो क्या हो जाएगा? जीरो। ये किसकी बन रही है? ध्यान देखेंगे सिक्स की, 1 2 4 8 जिसके नीचे वन से क्या करो एड, तो किसकी बन रही है? सिक्स की बन रही है। तो आंसर क्या मिलेगा? सिक्स यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सिक्स। समझ में आएगा नहीं आंसर पे यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, आपको बाइनरी लिखना है, इसकी बाइनरी लिखना है। सेम सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन। जो रिजल्ट आएगा उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मेरा यहाँ बताने का मतलब होता है आप यहीं से अगर कोई कन्फ्यूजन हो दूर कर लीजिए, ज़्यादा सही है कि आप उसके ऊपर लिखिए 1 2 4 8 16, जिसके नीचे वन से क्या कर लो ऐड कर लो, तो ये आपका निकल आएगा डेसिमल। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ। तो तीनों में अगर आप ध्यान देंगे तो एक में था अगर एक भी जीरो तो जीरो, एक में आर में था अगर एक भी वन तो वन,
इसमें क्या है, नंबर ऑफ होंथ अगर इवन है तो जीरो, ऑड है तो वन। ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा, मे भी हो सकता है कहीं ऑप्शन वगैरह में दिख जाए। तो एक्चुअल में एक्सर की डेफिनेशन यही होती है जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर होंगे यहाँ पे। पहले क्या आएगा, पहले में सिक्स आएगा, पहले में क्या आएगा सिक्स आएगा, और डी, डी में क्या है वन वन वन, तीन वन है ना यहाँ पे, तीन क्या होता है ऑड होता है, चाहे जितने इनपुट से मतलब नहीं है, हम नंबर ऑफ वन काउंट करते हैं, अगर यहाँ पे ऑड है तो वन, यहाँ पे क्या है दो वन, तो क्या हो जाएगा इवन है। ठीक है, तो एक वन एक जीरो, पहले सिक्स वन जीरो, तो रन करा रहा हूँ, देख लो आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया सिक्स वन जीरो। कोई क्वेरी हो पूछ लेना, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। एक हाँ, एक मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, इसको आप लोग करिए इसको। चलो 25 ले रहा हूँ यहाँ पे और 10 ले रहा हूँ, 25 एंड 10। मैं वो सब इसलिए ले रहा हूँ बाइनरी आपका बैरियर ना पड़े वहाँ पे, सभी लोग करिए इसको, तो फिर 25 की बाइनरी निकाल के दी गई और 10 की भी। चलिए ठीक है, उसको कर लीजिएगा 99 आ रहा कुछ लोगों का। ठीक ओके, अब देखिए तीन जो हैं, मैं इनको डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ आपको, आंसर्स बता रहा हूँ इनका, क्योंकि कोई फायदा यहाँ पे नहीं है उनको डिटेल करने का, सॉल्व करने का। तो तीन है यहाँ पे, एक है आपके पास लेफ्ट शिफ्ट ना, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब लेफ्ट में एरो रहेगा आपका, ये टू टाइम्स आप लगा देना, ये कौन सा है लेफ्ट शिफ्ट, इसका मतलब एक लाइन का डेफिनेशन देख लेना। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक वैल्यू है 10 है, 10 को मैंने क्या कर दिया लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा, इसका मतलब क्या है 10 को लेफ्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। देखो एक मतलब मैं समझ बता रहा हूँ आपको सिंपल सा, यहाँ पे ये सब लिखना नहीं है आपको। जैसे अभी आपके पास 10 है, ये 10 की बाइनरी क्या होती है 1010, देखिए तो अगर 1010 होती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये बिट है ना, बिट है, तो यहां से क्या करना है एक एक पोजीशन लेफ्ट में क्या करना है शिफ्ट करना है। ये डेफिनेशन होती है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे यही है। राइट शिफ्ट का मतलब है कि आपको इस बिट को यहाँ लेके जाना, इस बिट को यहाँ लेके जाना, इस बिट को यहाँ लेके जाना, इस तरीके से क्या करना है शिफ्ट करना। शिफ्ट करने का मतलब ये होता है ना बस, कि सीरियली आप चाहे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करो, चाहे तो क्या करो लेफ्ट टू राइट, और जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो उसे क्या कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और जब राइट में शिफ्ट होते तो क्या कहते हैं राइट शिफ्ट यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आंसर निकालना कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में बस एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, पूछा है क्या आंसर है इसका, क्या आएगा वैल्यूएशन के बाद। तो ये है वैल्यू, ये आपका यहाँ पे क्या है वैल्यू, और ये है टाइम्स या पोजीशंस, कितनी पोजीशंस कितने टाइम शिफ्ट हो रहा है, ये आपका टाइम्स है कितने टाइम शिफ्ट हो रहा है ना, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये आपकी वैल्यू है, कितने टाइम क्या हो रही है शिफ्ट हो रही है। एक बार अगर एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होता है उसमें दो से मल्टीप्लाई होता है। अगर एक बार कोई नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होता है वन टाइम्स होता है, तो उसमें टू से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, तो अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 लेफ्ट शिफ्ट कितना, सॉरी 1, कितना लिखा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, बस सिंपल सा। यहाँ पे अगर आपसे बोला गया यहाँ पे 10 और लिखा गया यहाँ पे क्या 2, इसका मतलब कितनी बार शिफ्ट होगा दो बार, कितनी बार दो बार। तो अगर दो बार शिफ्ट होगा तो आपको दो बार टू से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, टू से ही करना हमेशा। तो पहले 10 को आपने किससे किया 2 से, क्या आ गया 20 ना, फिर जो आपके पास 20 मिला उसको आपने अगेन किससे किया 2 से, क्या आ गया 40। तो इसका आंसर क्या आएगा 40, क्या आएगा 40। समझ आ रही बात है यहाँ पे कुछ, तो आपके सामने इस तरीके का इक्वेशन होगा और आपको पूछेगा इसका आंसर क्या मिलेगा, बस ये ना ये प्रोग्राम आइए देखते हैं करते हैं कैसे क्या होगा, इसको अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करना।
देखिए लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है, यहां पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ऑपरेशन इज जस्ट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। ये ऑप्शन मिला भी एक बार, मतलब कि जैसे उसमें से कौन सा आपका सही है, चार ऑप्शन दिए गए थे तो कौन सा सही है, तो उसमें लिखा हुआ था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बाई टू, बस इतना लिखा था। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, इफ वी शिफ्ट वन पोजीशन या वन टाइम, तो अगर एक पोजीशन एक बार या एक पोजीशन लोग क्या शिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। तो जितनी बार आपको शिफ्ट करना हो उतनी बार आप यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे INT इक्वल टू यहाँ पे रखा गया था 15 और C इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे कितना बोला गया 1, तो अगर ये क्वेश्चन लिखा गया आपसे पूछा गया C की वैल्यू बताइए, तो आप C की वैल्यू क्या बताएंगे, 30, क्या बताएंगे 30, क्योंकि यहाँ पे 15 है, एक वैल्यू कितनी है 15 है, इसको शिफ्ट किया कितने पोजीशन, एक पोजीशन, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 30 है, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई करना, किससे करना है 2 से करना है, तो जो वैल्यू है ए में 2 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बस एक बार आपको ये काम करना है। एक और देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला INT इक्वल टू 20 यहाँ पे, सॉरी INT इक्वल 20 ध्यान देना, और C इक्वल टू अगर A लेफ्ट शिफ्ट कितना लिखा गया यहाँ पे 3 लिखा गया, ठीक है ओके, अगर 3 लिखा गया तो यहाँ से कोई कहेगा ये बताओ C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर करना C की वैल्यू हो जाएगी। चलो बेसिक सम कर लेते हैं, फिलहाल जो भी मिलेगी देख लेंगे, 20 इंटू क्या करेंगे 2, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 2 2 से ना, हर बार 2 से करेंगे, तो क्या जाएगा 40, एक बार हो चुका है, फिर 40 इंटू 2 करेंगे ना क्या हो जाएगा 80, दो बार हो चुका, फिर 80 इंटू 2 करेंगे, जो आता रहेगा उसी से करते जाएंगे, क्या मिल जाएगा 160, सही है ना 160। ये है आपका कौन सा ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, हो जाएगा क्लियर ना। चलिए हम लोग रन भी करा लेते हैं, और मैं ए में यहाँ पे सेम ले लेता हूँ 20, और सी डी क्योंकि वैल्यू मेरे पास करंट है मैं ही ले लेता हूँ जिससे मेरे मुझे आसानी हो। सी इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, 1 नहीं करता हूँ 2 कर देता हूँ, और D इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, और E इक्वल टू लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे कर देता हूँ 1, यहाँ पे 1, तो चलो ठीक है क्वेरी 3 है बट मीनिंग एक ही। यहाँ से क्या है, सबसे पहले अगर देखा है तो लास्ट वाले में क्या आएगा 40 आएगा ना, 20 है ना, यहाँ पे एक बार करना 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो बार करना, यहाँ पे 3 बार करना, तो आई थिंक 40 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 160 आएगा, तो तीनों में यहाँ प्रिंट करा दिया हूँ, सेव करिएगा। यहाँ पे सिक्वेंस ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने ये कराया हुआ है, तो उसके हिसाब से 80, 160 और 40, बस आप समझ जाओ इस चीज को ना, कोई सिक्वेंस यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जो कराओगे वैसा आएगा। ये तीन क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है ना एक तरीके से यहाँ पे, तो आप जो भी लेके चलोगे कंफ्यूजन तो कोई नहीं है ना किसी में, ठीक है। एग्जैक्टली मत लिखना अपने हिसाब से कुछ भी, आप लिख लेना वहां पे, क्योंकि बस कंफ्यूज मत होना। तो ये था आपके पास क्या, लेफ्ट शिफ्ट यहां पे सेम इसी तरीके से राइट शिफ्ट। देखिए रेडी बनाइएगा राइट शिफ्ट,
राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में एरो का आपका जो यहाँ पे मूवमेंट होगा एक तरीके से दिखेगा, वो किस तरफ, राइट की तरफ दो बार रहेगा, जिसे हम ग्रेटर देन कह सकते हैं, दो बार लगाना है। तो इसका मतलब है जो राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन इज जस्ट इक्वल टू फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन बाय टू। जैसे वहां पे क्या था, कहीं कहीं इंटीजियर डिवीजन लिखा होगा, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा इंटीजियर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, बात वहां पे यहां के लिए सेम है। तो इसका मतलब डिवाइड बाय टू, और कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय टू, यहां वहां मल्टीप्लाई करना था, यहां पे क्या करना आपको, डिवाइड करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, पॉइंट वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। जैसे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, क्या आएगा, 6 यहाँ पे ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेम जैसे INT, मैंने कहा a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, और इसमें अगर मैंने b इक्वल टू कर दिया, b इक्वल टू a, और राइट शिफ्ट कितना कर दिया, 1 पोजीशन, तो क्या करना है यहाँ पे, जो 20 है वो डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से, तो क्या आएगा 10, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा आपको, ये मिल जाएगा। एक और देख लीजिएगा, फिर कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। ए पर मैंने लिया 25, क्या लिख लिया 25, और मैं अगर बी इक्वल यहाँ पे लिखता हूँ ए राइट शिफ्ट 1 पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 25/2, दैट इज 12, ये 12 आएगा ना, 12.5 मत सोचिए, उसी मैंने कहा तो फ्लोर डिवीजन ना, या फिर इंटीरियर डिवीजन है, समझ गए कि नहीं आप। अब जो आया है उसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, जितनी बार आपसे शिफ्ट करने को बोलेगा। एक और समझ लेते हैं, INT, जैसे मैंने कहा इसको थोड़ा आप लोग बताइएगा, a इक्वल टू यहाँ पे 25 है, और बोल दिया गया b इक्वल टू a को राइट शिफ्ट कर दिया गया, कितने पोजीशन, 3 पोजीशन, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले a को कितना दिया है 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा 12, कौन है 12.5 में, क्या मिलेगा 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12 डिवाइड बाई क्या करते हैं 2 करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, सब अच्छा लगता है समझने के बाद ना, ठीक। तो 12, हाँ यहाँ 6 आ जाएगा, अभी 2 बार हुआ ना, फिर अगेन यहाँ पे 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, गुड, आई थिंक जो भी आप लोग यहाँ सोच रहे थे वही है, यहाँ पे 3 बार क्या करना, डिवाइड करना, समझ आ गई बात सभी को। बस ये था कि आपके पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, आई थिंक समझ तो गए हैं, बस मैं एक टेस्ट कर वेरीफाई कर दे रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल। चलिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ, दैट इज 5, 25 है, और इन सबको हटा दीजिएगा, बस ए की वेरिएबल इनफ है यहाँ पे, और सी इक्वल टू के राइट शिफ्ट 3 पोजीशन, तो आंसर क्या जाएगा 3, क्या मिल गया 3 यहाँ पे, बाकी ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिएगा जब भी। एग्जाम्पल में से लिखा मत करिए, कोई फायदा नहीं, आप ये समझिए इसको लिखिए, वो जाके तो हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत एग्जाम्पल। एक और है, उसको भी डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ बस यहाँ। अच्छा ये हुआ है कि नहीं, हो गया सभी का, देखिए एक लास्ट बिटवाइज नॉट
ये मैं जैसे आपको ये टिल्ड ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके का ऑपरेटर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, बिट वाइज नॉट। यहाँ सिर्फ आपको यहाँ देखिए आंसर से मतलब है, इन सब चीजों में ध्यान रखिएगा। कोई ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका कोई डिटेल्ड मतलब यहाँ पे नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो कौन है आपका, बिट वाइज नॉट। लेकिन यहाँ पे इन सब का कभी डिस्कशन होगा ही नहीं कहीं पे। बस एक आपसे बता रहा हूँ कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर है तो ठीक है, बस उसके लिए होगा। आपके पास जैसे एक डेटा के साथ यूज होगा, जैसे कभी भी अगर कोई वेरिएबल आता है 10, वेरिएबल नेम है आपका 10 है यहाँ पे। इसके बाद अगर बोला गया बी इक्वल टू टिल्ड ऑपरेटर ए, टिल्ड ऑपरेटर ए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो भी है यहाँ पे आप उसमें क्या करिएगा, 1 ऐड करिएगा। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे होगा आपका उसमें क्या करना, आपको 10 है तो वैल्यू क्या है, 10 है, तो आप 10 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसका साइन क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मैं एक एक्सप्रेशन बना दे रहा हूँ ना, आप इसी से करना। देखो जैसे मान लेता हूँ कि ये सिचुएशन आपके सामने आई, सॉरी सॉरी, ये सिचुएशन आपके सामने आई, ए इक्वल टू 10 है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग लगेगा किसी को, बट बाकी क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर बी इक्वल टू क्या चाहिए ये आपको यहाँ पे, तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस वन, ए प्लस वन, बाहर क्या लगा देना आप यहाँ पे, माइनस। बस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बना के आपको दे दिया कि आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर कभी भी ये फाइंड करने को आए तो जो नंबर दिया जाएगा उसमें क्या करना है, प्लस वन करना है, और यहाँ पे क्या लगा देना, माइनस। आप यहाँ पे बस जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैंने बोला ए इक्वल टू क्या 10 यहाँ पे, बी इक्वल टू आपको क्या निकालना है, और पूछा बी को क्या करो, प्रिंट करो बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आने के बाद सिंपल सी बात है। तो अगर आपको बी निकालना है, बी निकालना है, तो यहाँ पे यही तो करोगे ना आप, माइनस ए प्लस वन, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 1, दैट इज क्या हो जाएगा, -11। अगर ए की वैल्यू 10 है और आपसे नॉट ए पूछा है, बिट वाइज नॉट ए पूछा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -11। तो अगर ए की वैल्यू 10 है और आपसे नॉट ए पूछा है, बिट वाइज नॉट ए पूछा है, तो वैल्यू क्या आएगी, -11। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये निकालना भी बताया जा रहा है, और इसी को आप लोग क्या करिएगा, यूज करिएगा। आई थिंक सबसे सिंपल और आसान तरीका है। आइए एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में से एक वैल्यू रखी, ए की वैल्यू यहाँ पे जैसे मैंने बोला ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे क्या है, 5 है। तो अगर बी इक्वल टू टिल्ड ऑपरेटर ए आपसे यहाँ पूछा गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -a+1, जो यहाँ पे रहेगा उसी को ए प्लस वन कर दीजिएगा उसी में, बस। हाँ जाइए, देखिए -a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -6 है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट बोला ऐसे क्या बोलो आप, नॉट ए, तो नॉट ए यहाँ पे क्या हो गया आपका, -6। एक और देख लेना यहाँ पे, जैसे ए इक्वल आपको दिया गया था -10, क्या दिया गया था, -10। तो बी इक्वल टू अगर आपको क्या निकालना है, ये आप बिट वाइज नॉट ए, तो आप यहाँ पे बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, -a+1 यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपको ए की वैल्यू कितनी है, -10, कितनी है, -10 प्लस में 1, तो यहाँ पे जाएगा माइनस, और -10 प्लस 1 क्या होगा, -9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। समझ में आई बात है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर वैल्यू कैसे भी करके दे रही होगी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, बस इसके लिए मैंने बता दिया यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल सा, कि नॉट ए का मतलब है a+1, बाहर क्या लगा देना आप, माइनस। बस यही आपको यहाँ पे करना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जो 5 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट हो क्या होता है, -6, और आपका जो -10 का कॉम्प्लीमेंट हो गया है,
9 है, ठीक है यहाँ पे, और प्लस 10 का माइनस क्या हो जाएगा 11 यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का यहाँ पे, इसमें मेरे हिसाब से वही आप फॉर्मूला याद रखिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं। आगे देखो मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक दो, बस यहाँ पे क्या करता हूँ, टिल्ड ऑपरेटर यहाँ पे होगा आपका, ये टिल्ड ऑपरेटर और क्या लगा दिया मैंने ए, तो टिल्ड ऑपरेटर ए यहाँ पे क्या मिलेगा -26, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक ऐड कर दो माइनस लगा दो, यही तो है ना आंसर यहाँ पे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कर दो, एक ऐड कर दो और वहां पे माइनस लगा दो, तो रन कराया तो क्या मिल गया -26 यहाँ पे। सेम उसी तरीके से अगर वैल्यू पे बात यहाँ पे करते हैं, चलो ठीक है वैल्यू में एक बार यहाँ पे और पॉजिटिव 3 रख लेता हूँ तो क्या आएगा -4, क्या मिलेगा -4 यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे माइनस में 13 रख लेता हूँ, प्लस 12 ना, -13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 यहाँ पे, रन कराया तो क्या आ गया आपका प्लस 12 यहाँ पे। तो ये चीजें ठीक है, बहुत रेयरली ये पूछा जाता है, वो दोनों ज्यादा आते हैं लेफ्ट शिफ्ट और कौन आता है राइट शिफ्ट, बट हाँ कभी अगर दिख गया तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा ये। तो ये था आपके पास क्या, मैंने दो ऑपरेटर बताए थे आपको कि एक बिट वाइज और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ से इंटरनली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बाकी सब में सिंबल से ज्यादा मतलब है, सिंटैक्स से ज्यादा मतलब है यहाँ पे ना, और अलग से यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलिए बाकी मैं नाम बस लिख दे रहा हूँ असाइनमेंट का, उसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं, एक ऑपरेटर और आप नोट कर लेना, ये हो गया कि नहीं सभी का, एक ऑपरेटर और लिख लेना बस। और उसके एग्जाम्पल वगैरह को नेक्स्ट क्लास में देख लिया जाएगा, रेडी बनाइएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे एक्चुअल में एक ही ऑपरेटर कौन होता है आपका असाइनमेंट होता है, कौन इक्वल, जो इक्वल दिखता पढ़ा नहीं जाता इसको क्या पढ़ा जाता है असाइनमेंट। जब आप लोग ए इक्वल 10 लिखते हैं ना तो 10 की वैल्यू कहाँ जाती है स्टोर होती है असाइन होती है, ए में कराता कौन है ये ऑपरेटर, इसलिए क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बट हाँ आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जैसे प्लस इक्वल एक साथ मिल जाएगा आगे चल के, ये भी देखा होगा ना आपने कहीं कहीं, हाँ ओके तो वही वही है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे अगर यहाँ पे देखा जाए जितने भी हैं मॉडलो इक्वल ना सबके सब किस कैटेगरी में आएंगे। कहीं हो सकता है अगर आप लोग ये भी देख लें एंड होता ना बिटवाइज एंड, तो ये भी इक्वल के साथ आ सकता है, आर था वो भी आ सकता है यहाँ पे, ये सॉर था ये भी आ सकता है, मतलब तो इस तरीके के जो ऑपरेटर आपको दिखेंगे ये सारे के सारे कैसे ऑपरेटर है सबके सब असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सिंबल के लिखवा रहा हूँ यहाँ, अगर पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अलावा इन सबको किस में रखते हैं असाइनमेंट में ही रखते हैं, मीनिंग्स वगैरह ठीक है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे ना, अभी इतना ही रखते हैं। कोई क्वेरी है, ये क्वेश्चन तो मुझे दिखा था, हाँ थ्री एक्स्ट्रा कंटिन्यू मतलब जी हमने नहीं, वो जैसे वहां पे गया है ना कि अगर आप